जहां खाने पीने की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जोमेटो का ही नाम सुनने को मिलता है। जोमेटो इंडिया के साथ साथ 126 कंट्रीज में और सभी के दिलों में अपना घर बना चुका है। इसी के साथ साथ बात की जाए अगर बच्चों की, तो बच्चों में आजकल बहुत ही ज्यादा जो है एक्साइटमेंट देखने को मिलती है जोमेटो को लेकर। बच्चे जो है दिन में घर में खाना जो है उन्होंने खाना बंद कर दिया है, पूरा दिन जो खाना है वो सिर्फ और सिर्फ जोमेटो से ही आजकल ऑर्डर किया जा रहा है। अगर बात की जाए जोमेटो के फाउंडेशन की, तो दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा जी ने 2018 में जोमेटो जो है फाउंड किया था। इसी के साथ साथ जोमेटो एक ऑनलाइन ऐप है जिससे आप घर बैठे कुछ भी खाने पीने का ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद है, ये जानते हैं उनसे कि वो जोमेटो के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जोमेटो से, आप ऑर्डर करते हैं डेली, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जोमेटो का नाल में 50% ऑफ दे रहा है। आजकल हर बच्चे को जब कुछ खाने का सोचता है तो उसके मुंह पर एक ही नाम होता है जोमेटो। जोमेटो हमें एडिक्ट कर रहा है 50% ऑफ देकर लाइक जियो, एंड आफ्टर दिस एडिक्शन वी विल बी एडिक्टेड एंड इट विल यूज अस टू अर्न मनी। तो जैसा कि आपने देखा कि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं जोमेटो, क्योंकि जोमेटो जो है ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उस पर 50% फ्लैट 50% ऑफ भी देता है। इसी के साथ साथ ये हमें एक सहूलियत तो प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन बच्चों की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जोमेटो जो है उनकी हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है। तो हमारे साथ यहाँ बच्चों के कुछ पेरेंट्स भी मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे कि जोमेटो से रिलेटेड वो क्या स्टोरी हमें अपनी बताना चाहेंगे। तो सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जोमेटो जो है पूरे करनाल में छाया हुआ है जोमेटो जब से आया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा बेटा हर टाइम जोमेटो जोमेटो ही करता है, तो ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों याले ये मेरे से अकाउंट की अगर डेबिट कार्ड की डिमांड कर रहा था, मैंने इसको नहीं दिया, ये स्पेशल गया और इसने अकाउंट खुलवाया अपनी मम्मा को साथ लेके। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये ओकेजनली कभी कभी ये काम करें, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये काम ना करें। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, बच्चे जो है आजकल मतलब सहूलियत तो ये हमें जोमेटो देता ही है, लेकिन साथ साथ बच्चों की इफेक्ट हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट करता है, तो आप इसके बारे में क्या कुछ जो है करनाल के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, फास्ट फूड ज्यादा यूज ना करें, ये सेहत के लिए नुकसानदायक है। कभी कभार अगर मंगा खाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि बच्चों में तो जोमेटो को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखती है, लेकिन बात की जाए अगर पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा वरिड है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जोमेटो से खाना ऑर्डर जरूर करें, लेकिन कभी कभार तो चल जाएगा, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम एक दिन में कंप्लीट जोमेटो ऑर्डर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्थ को बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट करता है। तो मेरी आप सभी से यही अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी जोमेटो यूजर्स हैं, स्पेशली बच्चों के लिए हमारी अपील है कि जितने भी जोमेटो यूजर्स हैं वो अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। इसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी पेरेंट्स हैं इस चीज को लेकर अवेयर हो और बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखें। नीरा माटा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज। आजकल हर एक छोटे बच्चे के जुबान पर भी नाम रटा हुआ है, कुछ भी खाना हो तो वो झट से ऑर्डर कर सकते हैं और जोमेटो से मंगवा सकते हैं। जहां करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने कई ऐसी हाउसवाइफ से बात की जिनका कहना था कि जोमेटो नो डाउट उन्हें घर पर खाना जरूर दे रहा है, जब वो जो भी खाना चाहे उन्हें मिल जाता है, लेकिन वही उनका ये भी कहना था कि अगर उनके बच्चों की बातचीत करे, बच्चों के बारे में बात करे, तो उनका यही कहना था कि जहां बच्चे पहले एक टाइम फास्ट फूड खाते थे अब उनका वो डबल हो गया है, क्योंकि जब भी वो जहां से भी चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। वही इसी बारे में जब हमने डॉक्टर से बातचीत की तो डॉक्टर का ये कहना था कि इसके चलते कुछ ऐसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो बच्चों को नहीं मिल पा रहे, क्योंकि वो घर का खाना नहीं खा रहे हैं। हालांकि अलग अलग अपने अपने रिव्यूज हमने सभी के लिए, वही इस समय हम लोग पहुंचे हैं करनाल के सेक्टर 13 स्थित मोती महल में। आइए यहाँ के जो ओनर हैं हम उनसे जानते हैं किस तरह से जोमेटो उनके लिए फायदेमंद रहा। तो सर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे जोमेटो ऐप के बारे में, किस तरह से आपका रिस्पॉन्स रहा? डेफिनेटली ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है एज वेल एज फॉर द कस्टमर्स, बिकॉज उसमें कोई मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डर नहीं है। तो अगर आपको एक नॉर्मल एक बेड चाहिए, अगर एक गुलाब जामुन चाहिए, एक दाल चाहिए, यू कैन ऑर्डर
ऑर्डर इट वेरी इजीली एंड डेफिनेटली इसने हमारे ऑर्डर्स भी इंक्रीज किए हैं और कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल है कि पहले उन्हें आना पड़ता था या काफी दूर से ऑर्डर नहीं हम डिलीवर करते थे, नाउ दे कैन इजीली ऑर्डर ऑन जोमैटो एंड गेट इट डन। तो सर जोमैटो द्वारा कुछ स्पेशल ऑफर्स या कुछ ऐसे रखे गए हैं जो रेस्टोरेंट्स के लिए साथ ही साथ कस्टमर्स के लिए फायदेमंद रहे दोनों के? राइट, काफी स्कीम्स ये रेगुलर बेसिस पे निकालते रहते हैं जो कस्टमर्स एज वेल एज हमारे लिए भी बेनिफिशियल होती है कि अगर ये डिस्काउंट देते हैं तो हमारे ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। अभी लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरह से जोमैटो के चलते छोटे छोटे बच्चों के जुबान पर भी जोमैटो का नाम रट चुका है। अगर बात की जाए कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स की तो हालांकि उनके काम में जरूर फर्क पड़ा है, उन्हें जरूर प्रॉफिट हुआ है जोमैटो ऐप के आने के बाद से, लेकिन वही अगर हम कुछ पेरेंट्स से बातचीत की उनका यही कहना था कि काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अब घर का खाना नहीं खाते, उन्हें बाहर के खाने की ऐसी लत लग चुकी है कि उन्हें रोजाना कुछ ना कुछ बाहर से खाने के अपने आप अगर किसी भी चीज की बहुत जाहिर सी बात है अगर किसी चीज से हमें कुछ फायदा होता है तो उसके नुकसान जरूर होते हैं। इसी पर आगे चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर कमल चराया यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे कुछ जानकारी लेंगे कि क्या कुछ फास्ट फूड का सर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, फास्ट फूड के कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं तो उस बारे में क्या कुछ कहेंगे? ऐसा जी, फास्ट फूड आज की इंडस्ट्री में एक बड़ा हैप बना हुआ है, इट इज ऑल टू ऑल यंग पीपल, यंग क्लास, यंग स्टूडेंट्स, यंग पर्सन, जो भी ऑफिस में वीर है जो बैठा है, बच्चे हैं, जोमैटो से अपना ऑर्डर करते हैं। तो बेसिकली फास्ट फूड फूड हैबिट्स को डिस्टर्ब करता है, ओबेसिटी को बढ़ाता है, साथ साथ मोटापे के अलावा मतलब बॉडी ऑल आर गेटिंग इनटू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब वेट ज़्यादा है, मतलब और उसके अलावा उनके पास लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब्ड है, लूज मोशन से गैस्ट्राइटिस, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। बात करें छोटे बच्चों की, क्योंकि जैसा कि हमें भी जानकारी यही दी जाती है शुरुआत से कि छोटे बच्चों की जब ग्रोइंग एज होती है तो जरूरी होता है कि उनके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सभी चीजें उन्हें अब पूरी मिले, अच्छे से मिले, लेकिन अगर बात की जाए बाहर के खाने की तो वो सब कुछ बच्चों को नहीं मिलता, तो क्या कुछ आप उसमें बताना चाहेंगे किस किस चीजों की कमी रह जाती है अगर वो प्रॉपर डाइट ना ले? देखो, एक जिसे हम कहते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन, वो एक हमारे मिक्स डाइट में होता है, जैसे पेरेंट्स अच्छा खाना, फ्रूट्स, जूसेस, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, इस सब में ऑल मिनरल्स एंड विटामिन्स कवर है। बट अगर हम फास्ट फूड के शौकीन रहेंगे तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा, वो सारे के सारे ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जाएंगे, तो जिनका बॉडी मास इंडेक्स बहुत बढ़ जाएगा तो उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा एंड दे विल लैक इन मल्टीपल थिंग्स, लाइक कैल्शियम की कमी रहेगी तो बोन वीक हो जाएंगी, टीथ अच्छे नहीं डेवलप हो पाएंगे, हाइट्स अच्छी नहीं आ पाएंगी, हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, तो इट विल लीड टू मल्टीपल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, ऑल एंडोक्रिनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो सर क्या कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे करनाल के लोगों से जो काफी समय से जब से जोमैटो ऐप आई है कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना है कि उनके बच्चे उनके सुनते नहीं है, जबकि कुछ पेरेंट्स खुश हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को अब रोजाना घर में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो क्या कुछ मैसेज आप उन लोगों को देना चाहेंगे? मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार से समझाएं और वंस इन अ वाइल फास्ट फूड एंजॉय करें और अपना अच्छा न्यूट्रिशन पेरेंट्स खुद दें, और यही मेरा एक मैसेज है पब्लिक को। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर कमल चराया थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि वंस इन अ वाइल अगर आप फास्ट फूड या बाहर का कुछ भी खाना खाते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन रोजाना के लिए अगर बच्चों को प्रॉपर डाइट ना मिले कहीं ना कहीं उनके हेल्थ पे वो जरूर असर करेगा, चाहे वो हार्मोनल चेंजेस हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे बोन डेवलपमेंट हो, कई ऐसी चीजें हैं जो इफेक्ट हो सकती है। तो हमारी आप लोगों से यही अपील रहेगी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जहां जोमैटो ऐप का आना बहुत लोगों के लिए फायदेमंद जरूर रहा और बहुत ऐसी चीजें हैं जो उस ऐप की अच्छी है, लेकिन वही हर एक चीज का एक लिमिटेड यूज होना चाहिए, एक के लिए भी एक लिमिट तक यूज होना चाहिए ताकि उसके फायदे फायदे ही रहे, वो नुकसान ना बने। तो हमारी आपसे यही अपील है ज्यादा से ज्यादा खबर जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जागरूकता फैले। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। We'll be right back.
बड़ी बड़ी सिटीज के साथ साथ बात की जाए करनाल की तो आजकल सबकी जुबान पर सिर्फ जोमेटो सुनने को मिल रहा है। आज हमारे साथ यहाँ कुछ लेडीज मौजूद है, ये जानते हैं इनसे कि क्या कुछ कहना चाहेंगी वो जोमेटो ऐप के बारे में। तो मैम क्या कुछ आप कहना चाहेंगी जोमेटो जो कि आजकल सबकी जुबान पर खाने का नाम है तो जोमेटो ही आता है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या क्या जो है ऐप ये कैसी लगी आपको? ऐप में कोई बुराई नहीं है, जोमेटो अच्छा है, उससे हम खाली फास्ट फूड नहीं होटल से खाना वगैरह भी मंगवा सकते हैं, लेकिन ये पेरेंट्स को अवेयर होना है कि अपने बच्चों को उन्होंने किस तरह से डील करना है कि अब है ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ ना लेके जाएं। जोमेटो कंपनी बुरी नहीं है, मैं उस कंपनी को बुरी नहीं कहूँगी, उसने बहुत लोगों को काम दिया, बट उससे जो फास्ट फूड बच्चों को मंगवा के वो रोक पेरेंट्स ही लगा सकते हैं, उस पर और कोई नहीं लगा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों को आगे ये होता था कौन जाएगा कैसे आएगा, हम थोड़ा सा बहाना भी बना देते थे, बच्चों को अवॉइड करा देते थे कौन जाएगा, बड़ा टाइम हो गया ये, पर ये चीज तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया जोमेटो ने। तो मतलब ये कंपनी बुरी नहीं है बट इजी तो हो गया है सब कुछ, पर बच्चों का एक राग खुल गया है, जब भी देखो बैठे हैं ऑर्डर कर रहे हैं और ऑन द स्पॉट 20 मिनट्स में डिलीवरी इसकी है। तो मैं ये चाहूंगी इसको मिनिमम यूज करना चाहे लोग, मतलब ठीक है एक यूजफुल बनाए इस चीज को कि जब भी जरूरत है तो, अदरवाइज ये नहीं है कि इसको नीड बना लेंगे अब नहीं कुछ भी है तो ले लो। थैंक यू मैम। बाहर का खाना मतलब बच्चों को कम ही खिलाना चाहिए, लेकिन जब से जोमेटो आया है बच्चे मतलब बहुत ज्यादा बाहर के फूड के एडिक्ट होते जा रहे हैं, तो इस पे आप कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे? फास्ट फूड हम लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, हेल्दी फूड तो अब बच्चे भूल गए हैं, पेरेंट्स भी भूल गए हैं, पेरेंट्स भी इतने हरी रहते हैं वो सोचते हैं इजी अवेलेबल है पैसे दो और जाओ आप लोग फास्ट फूड ले लो, और बच्चे नीचे जाके फोन घुमाते हैं और एक मिनट में जोमेटो का ऑर्डर आ जाता है। ये हमारे लिए बहुत नुकसान कर रहा है, बहुत नुकसान, कंपनी अच्छी होने से कुछ नहीं होता, इससे जो हमें फास्ट फूड मिल रहा है उस वो टोटली हमें कैंसर की तरफ लेके जा रहा है, बच्चे इतना एक्सेस खा लेते हैं उसमें जो भी मतलब बचा हुआ खाना है इधर से जोमेटो वालों ने कलेक्ट किया उधर से किया वो सब वो घर में आके डिलीवर कर देते हैं, वो बहुत हार्मफुल है। हम लोग अब सबसे यही बोलेंगे कि बच्चों के लिए प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालें, उनको प्लीज ये बताएं कि ये इतना हार्मफुल है, इससे आप लोगों को बहुत नुकसान है और मोस्टली बच्चों की टमी खराब है, जिससे भी पता करोगे किसी को हाँ उनको टमी में इन्फेक्शन है प्लस उनको अपेंडिक्स हो रहा है, किसी बच्चे को पथरी हो रही है, सारे कॉजेज यही हैं कि हम जो ये फास्ट फूड खा रहे हैं, इसलिए इसको प्लीज अवॉइड करना चाहिए। मैं डिंपल करनाल से बात कर रही हूँ, प्लीज इसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमारे साथ थी कुछ लेडीज जिन्होंने अपने व्यूज दिए जोमेटो को लेकर कि जोमेटो ने बहुत सारे लोगों को रोजगार तो दिया ही है, लेकिन बात की जाए अगर खाने की तो ये बच्चों की हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो हमारी आप सभी से यही अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके, उन हाउस वाइफ तक पहुंच सके जो जिनके बच्चे रोज डेली बाहर का खा रहे हैं, सब जो मदर्स है उन सबसे यही अपील है कि अपने बच्चों को हेल्दी दें, घर का खाना दें। नीरा माटा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।